राधे राधे गाइस, आप सब कैसे हैं? होप यू सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का दिन है और एक नया दिन है, नई शुरुआत है। हर दिन नई शुरुआत ही होती है, हर दिन कुछ नया ही होता है। तो मैं जो हूँ रेडी हो चुकी हूँ, काम से भी फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। कृष्णा भी स्कूल जा चुका है क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज ऐसा कुछ बनाया नहीं था, तो अब मैं सीधा लंच की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में थोड़े मखाने और ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, तो इसलिए आज ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। तो अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी और बच्चे और जी उधर हैं, बना रही हूँ आलू मेथी। और ये देखो, ये दोनों इधर हैं। वही बहन को दे। ए हेलो, बोल, हाय बोलो। ये खाने में बिजी है। मैं बना रही हूँ गाइस आलू मेथी। मेथी लेके आई थी मैं, बहुत कम बनाती हूँ आलू मेथी, देखती हूँ कैसे बनती। अच्छी तो लगती है बट ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, बट ले आई थी मैं। तो बनाते हैं, पहले इसको साफ कर लो। एक घंटा तो इसे साफ करने में ही लगेगा, तो पहले साफ करती हूँ फिर बनाऊंगी इसे। तो गाइस मैं कर रही हूँ बहुत ही बोरिंग काम, मेथी साफ करना। साग मेथी ये साफ करना बहुत बोरिंग काम होता है, देखिए। तो गाइस देखो, इसके पापा आ रहे हैं और जब से गए हुए इनने मेरी जान खा रखी है। और ये दोनों जा रहे हैं अब। फाइनली गाइस आलू मेथी रेडी है बनने के लिए। मैंने कट करके ना एक सीटी लगा ली थी कि जल्दी बन जाएंगे, बाउल कर लिया था। 1000 घंटे के बाद तो ये साफ हुई थी, कटी थी, उसके बाद फिर मैंने फटाफट बनाना था तो इसको बाउल कर लिया। और यहाँ मसाला भून रही हूँ फटाफट, टोकू रोटे बनाएंगे खाएंगे। कड़ी रखी है कल की, तो मैं कर लेती हूँ लंच तैयार फटाफट। हे गाइस, तो शाम का समय है और मैं आ गई हूँ फिर से अपनी किचन में। और ये देखो मेरे तीनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। और ये देख, तो मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। डिनर में क्या, आज जो है आलू मेथी रखे हैं, कड़ी रखी है, और जो है वैसे तो मैंने करेले कट किए थे, बट देखती हूँ बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा तो आज डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं है। आटा अब गूंदने लगी हूँ। तो गाइस मैं गूंदने लगी हूँ आटा, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आटा गूंदना। मुझे एक आटा गूंदना और आटा गूंद के रोटी बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, बिल्कुल भी। तो फाइनली गाइस गूंद गया है आटा। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ मंदिर में क्योंकि डिनर तो बनाना नहीं था, आटा गूंद के रख दिया। जब जी आएंगे तो फुल्का सेकूंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कपड़े सेट कर लूँ बैठ के, ये सब मुझे अलमारी में लगाने हैं। इतने सारे कपड़े हो रहे हैं सेट करने के लिए, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी गाइस। और बस क्या ही कहूँ मैं, अच्छे खासे टीवी देख रहे थे दोनों, और मेरा यहाँ आते देख के दोनों यहाँ आ गए। देखो जी मैडम लग गई काम पे, और ये सर ये हैं। क्यों आए हो तुम? नहीं क्या करने आए हो? देखो अब पैर बना के अलमारी में रख देती हूँ, घंटी मत छेड़ो। डर गया। तो गाइस ये है मेरे कृष्णा की बाइक, जो है ऐसी रखी, मतलब ये ना खराब हो गई, पानी में भीग गई थी तो ये खराब हो गई। इसको देखते हैं, अगर सही होगी तो ये सक्षम चलाया करेगा। अब ये यहाँ रखी है ऐसे। और ये हैं हमारे कपड़े जो मुझे जो है अभी माय गॉड तय लगाने हैं। कैसे लगाऊं मैं? उन दोनों को जो है उधर भेज दिया है, मैं एक कपड़ा तय लगाऊं, दो भी बिगाड़ दे रहे थे। जाके टीवी में वीडियो लगवाई है, ब्लॉग लगाया है, तो जाके वो वहां बैठे हैं। अब मैं फटाफट कर लेती हूँ काम अपना। तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक साड़ी दिखाती हूँ जो मुझे जी ने भी गिफ्ट की है। मैं दिखा ही नहीं पाई, मैंने बहुत बार सोचा मैं दिखाती हूँ। तो ये जो साड़ी है ये जी ने मुझे गिफ्ट की है, बहुत सुंदर सी साड़ी।
जब मैं मुरादाबाद गई हुई थी तो उसके तब लाए थे वो पीछे से, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये देखिए इसमें गोटा पट्टी वाला वर्क है, सिंपल सा, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये साड़ी। जब मैं इसका ब्लाउज रेडी करके पहनूंगी तो आपको फुल लुक दिखाऊंगी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी ये साड़ी, देखिए। और कलर इतना कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है ना, येलो स्काई ब्लू का मेरे पास है भी नहीं ऐसा कॉम्बिनेशन, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। देखिए गाइस, देखियो देखियो गाइस, कृष्णा के शूज ऊपर से बोलने लग रही, वो अंग्रेजों की पुलिस वाले पुलिस में जो पहनते हैं, क्या जनरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, देखो गाइस कृष्णा के व्हाइट शूज सॉक्स कहाँ तक पहनी है इसने। भैया क्या खा रहे हो दोनों, गिर गया, क्या खा रहे हो दोनों? अच्छा अच्छा चलो दोनों यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, मम्मा को क्या दो, कौन देगा तुम? ओ मम्मा को कौन देगा? अरे गाइस दोनों ने दे दिए, तूने तो अभी दिया नहीं था मुझे। और देखो दोनों क्या खा रहे हो, लेस, और इसके लिए आया सबसे बड़ा चिप्स। देखो मुझे भी चार चिप्स मिल गए खाने के लिए, वो भी इन बच्चों से, और इसके लिए बड़ा चिप्स आया है। इसके लिए बड़ा क्यों लाए हो, तीनों बराबर हैं, हैं? बड़ा क्यों? अरे तो हे गाइस, तो मैं अभी खाना खाने के बाद चली गई थी जी के साथ सब्जी लेने, तीन लाई हूँ चुकंदर, विदाउट पत्तों की मिली नहीं है गाइस, आज पत्तों वाली मिली है मुझे। इसके पालक ले आई, अभी दिखाते हैं। तो गाइस ये है चुकंदर, लेके आई हूँ मैं 2 किलो खाने के लिए बच्चों के, और अपने, और लाई हूँ पालक। कृष्णा पालक का साग बहुत प्यारा था कि मम्मी पालक का साग बनाओ, पालक बनाओ, तो लाई हूँ 2 किलो पालक। देख तो ये है पालक, सिंगाड़े लाई हूँ किशु, ठीक है। ये है हरी मिर्चें खूब सारी, क्योंकि ज़्यादातर हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ मैं, हैं? ये वाले सिंगाड़े लाई हूँ गाइस, मैं कट्टर वाले वो जो उबाल के खा जाते हैं, मैं तो इसे ऐसी बोलती हूँ कट्टर वाले। ये नींबू प्याज लाई, और ये है मूली, टमाटर, हाँ ना ना ना, गोभी ले आई गाइस, माय फेवरेट गोभी, नींबू, तो ये लेके आई हूँ कुछ सब्जियाँ, क्योंकि शायद बस यही सब्जी लाई थी, शिमला मिर्च बीन्स वगैरह रखी हैं घर पर, तो मैं वो लाई नहीं, इसलिए सक्षम पजामे पहन के आया है। तो गाइस बस यही सब्जी लेने गई थी, और आज मैं इन दोनों को और कृष्णा को घर छोड़ के गई थी, क्योंकि हम गए थे ज़्यादा रात में, क्योंकि 8:30 बज गए थे, हम तब गए थे 8:30 बज गए थे, और सक्षम जिद्दी कृष्णा के पास रह भी लिए बना दूंगी मोमोज बना दूंगी। चलो भाई तो गाइस यहाँ पे रख दिए मम्मी सब्जी, सब सारी गैस निकल जाएगी।